सीमा सुरक्षा रे आदु कराजिबनी सालिस भारत बंधुत्व स्थापन करिबा जाने जवाब मध्य देबा जाने भारत उपरे नजर पकाइले दियाजिबो कड़ा जवाब। आज प्रधानमंत्री मोदी 66तम मन की बात कार्यक्रम थिला आउ एहरी माध्यम रे देशवासी को संबोधित करबा समय रे एभले किछि कहि चीन को कड़ा भाषा रे चेतावनी देथिले मोदी मोदी कहिथिले जे सीमा सुरक्षा रे आदो सालिस करा जीवन नै भारत बंधुत्व स्थापन करबा जाने एवं दृढ़ जवाब देबा मध्य जाने तेणु भारत को जदि केही आड़ आखिरे नजर पकाए तेबे तार कड़ा जवाब दिया जीव देशर जवान मानक बलिदान विषय आलोचना करी प्रधानमंत्री मोदी कहते निजर सीमा तथा सार्वभौमत्वर सुरक्षा पर भारत प्रतिबद्धता को विश्व देखी लद्दाख में आम सीमा को प्रवेश करने चेष्टा कर शत्रु को उपयुक्त जवाब दी तेज जवान को प्राणवल वृथा जीवनी ताकि गर्व करने भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। सेपरी भारतवासी की भली प्राकृतिक विपर्यय से लड़ी सफल होइछंती से विषय रे आलोचना करथिले प्रधानमंत्री। यासह आत्मनिर्भर हेबा पई कौन सब करबा दरकार सेनी आलोचना करथिले मोदी। मोदी कहिछंती जे देश एबे कोरोना महामारी से लड़ुवा बेले किछि लोक 2020 केबे शेष हेब से विषय रे चिंता करछंती। 2020 रे आम देश कोरोना भली महामारी से लड़ा सह अम्फान एवं निसर्ग भली बात्या पंगपाड़ भूमिकंप एवं चीन सह बिवादर समस्या को सामना करछि। एका सांगरे एते समस्या आसुथिबारु 2020 केबे सरिब बोली लोके चर्चा करबा आरंभ करछंती। कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है, बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बीत जाए। साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। 6-7 महीना पहले ये हम कहां जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नीत नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सबके बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है। आमे माने मिलीमिशी सब समस्या का सामना कर पारिबा बोली कहिछंती मोदी। तेबे आत्मनिर्भर भारत उपरे आलोचना करी मोदी कहिछंती जे भारतवासी आत्मनिर्भरशील हेबा पई आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन जणाइछंती। यासह विदेशी जिनिष व्यवहार नकरी निज देश रे तयारी हेतिबा जिनिष व्यवहार करबा पई मन मध्ये बळाउछंती। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है।
आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, हर एक जगह देश सेवा का बहुत स्कोप होता ही है। देश की आवश्यकता को समझते हुए जो भी कार्य करते हैं वो देश की सेवा ही होती है। महामारी कोरोना आम समस्त जीवन में बड़ परिवर्तन आनी सारा विश्व में काय विस्तार करिथिबा महामारी कोरोना को रोकिबा पई करा जाइथिबा लॉकडाउन रो प्रतिबंधक को एबे किछि मात्रा रे कोहल करा जाइछि। इहा उपरे आलोचना करी प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले जे देश को अनलॉक करा जाइथिले मध्य नागरिक मानकु अधिक सचेतन हेबा आवश्यक रहिछि। कोरोना भाइरस को परास्त करिबा पई सामाजिक दूरता बजाय रखिबा ओ व्यक्तिगत स्वच्छता बजाय रखी आगुकु बढ़ी नुआ कीर्तिमान सृष्टि करिबा पई आह्वान करिछंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट द अर्गस्टोडिंग।